समानता और निष्पक्षता, ये तीन मूल सिद्धांतों के आधार पर इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के नए नए इनोवेशन क्या हो सकते हैं इसकी कल्पना कर अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। फॉरेंसिक साइंस को इसके अंदर बहुत तवज्जो दी गई है और इसके माध्यम से, ये कानूनों के माध्यम से जल्दी न्याय मिले इसके लिए पुलिस, लॉयर्स और न्यायमूर्ति सभी पर एक प्रकार समय की मर्यादा डालने का काम भी इस कानूनों के माध्यम से हुआ है। माननीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नए जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड, कम्युनिटी सर्विस का पेनल्टी देने का काम किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट को 167 धाराएं थी, इसकी जगह 170 धाराएं बनी है, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं, 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम भी करा गया है। माननीय, मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, एक लंबे अरसे बाद, अटल जी की सरकार ने भी ये प्रयास किया था, परंतु एक मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद दो बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षर स लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट, जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अब सपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि अब सपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अब सपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई है। हमने माननीय कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान होंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार है ये नरेंद्र मोदी सरकार है माननीय, जो कहती है वो करती है। माननीय, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई, हमने दे दी भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित करने, हमने कहा था 3 तलाक
मुस्लिम माताओं बहनों के लिए अन्याय करता है उसको हम समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की घटी को बढ़ाएंगे और न्याय न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं होगा। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान राजनाथ सिंह जी घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज हम दोनों बैठे हैं। मुझे आनंद है मोदी जी ने ये पार्टी के वादे को आज पूरा करने का। माननीय, न्याय एक बहुत अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी, न्याय एक सभ्य समाज की नींव डालता है। हमारे संविधान ने राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय की कई परिभाषाएं बनाकर हमारे लिए रखी है और ढेर सारे अनुच्छेद में 38, 39 से 142 में इसका जिक्र भी किया है, मगर जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से होगा। न्याय अनेक प्रकार के हैं, मैं इसका स्वीकार करता हूं। बड़ी पवित्र संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी है, परंतु जनता डे टू डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है। और आज मैं ये जो 3 बिल लेकर आया हूं, मोदी जी ने सालों से देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, हमें दंड नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, वो बिल इस बिल के माध्यम से हो जाए। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य मान्यवर न्याय होता है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों एक न्याय का मजबूत प्रशासन देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 के बीच में काम की बंटवारा किया है और आज पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं परंतु न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेंगे। आपकी अध्यक्षता में ये न्याय यहां पर कानून बनेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और इसका बाकी रहा हुआ इम्प्लीमेंटेशन न्यायपालिका करेगी। ये तीनों अंग इकट्ठा होकर इस देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली को प्रस्थापित करेंगे। और न्याय, जैसा मैंने कहा, एक अम्ब्रेला टर्म है। न्याय कहते हैं तो बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है, इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और दंड कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। तो संतुलन बनाते हुए नए कानून में लेकर आया हूं। यहां पहले दंड देने की सेंट्रलाइज सोच वाली कानून थे, अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस इसका यहां पर उद्भव होने जा रहा है। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है और एनफोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड, स्पीडी ट्रायल, कोर्ट तथा प्रिजन का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेशियो भी इससे बढ़ने वाला है। मान्यवर, कई लोगों ने अलग अलग सुझाव करे हैं, पहले मैं बिल के बारे में बताकर इसका जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात है मान्यवर कि जो बिल लेकर मैं आया हूं वो ढेर सारी नई चीजों को भी इसमें जगह देने वाला बिल है और इसका उपयोग करने वाला बिल है। इन्वेस्टिगेशन को हमने फॉरेंसिक साइंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है। बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कंपलसरी किया है। कई सारी जगह पे मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और कोर्ट पर भी ढेर सारे समय को कम करने के प्रावधान पर हमने डाले हैं। मान्यवर, आज के बाद इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है। कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। एक कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक
सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। माननीय, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व और उसको कंपलसरी करने का काम किया है, क्योंकि न्याय प्रणाली का में किसी निर्दोष को अन्याय हो जाए या तो किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों किस्सों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वो ही लोग करते हैं जो वो गलती जो हुई है, मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो ही निर्णय करते हैं अपील करनी या नहीं करनी जिसने ये गलती की है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है या नहीं है उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा, निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है, जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहां है हमें मालूम ही नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। माननीय, इस तरह से मैं आगे बाद में बताऊंगा, परंतु ढेर सारी चीजों को हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी इस कानून के माध्यम से काम किया है। और विक्टिम सेंट्रिक कानून जब मैं कहता हूं, तब माननीय हमने ढेर सारा विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 तो अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 93 और 230 में दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती, जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्य किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। माननीय, मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से ये सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा माननीय, और जैसा मैंने कहा कि इसमें ढेर सारे मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था, उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375 376 था, अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है, गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है, मर्डर 302 था अब 101 हुआ है, किडनैपिंग 359 और 369 था अब 137 और 140 हुए, ट्रैफिकिंग